नमस्कार दोस्तों, मैं देव जुनैया आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे चैनल देव स्पोकन क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर में कुशल होंगे और बिल्कुल सही सुरक्षित होंगे अपने परिवार के साथ में। लॉकडाउन के चलते हम लोग अपना आज 17 सेशन हम लोग आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश एक लाइफ की रिक्वायरमेंट है, हर एक की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं लाइफ की रिक्वायरमेंट है, जॉब की रिक्वायरमेंट है, हर एक की करियर की रिक्वायरमेंट है। तो उसी के चलते हम लोगों ने आज कहीं ना कहीं अपना 17 सेशन हम आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। उससे पहले के जो सेशंस हैं, हमारे जो वीडियोज़ हैं, उसको आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने लाइक किया, लोगों को आगे शेयर किया, सब्सक्राइब किया और करवाया लोगों से, उसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारे चैनल को आप आगे शेयर करेंगे, हमारी वीडियोज़ को आगे शेयर करेंगे, पसंद करेंगे और आगे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में उसको शेयर करके सब्सक्राइब करवाएंगे और अपने ग्रुप को बड़ा करेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको कन्वर्सेशन करने में और अपनी कहीं ना कहीं टीम बनाने में आपको दिक्कत ना आए। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही में आइए हम लोग का 17 सेशन अपना आज स्टार्ट करते हैं। अब तक आप लोग दोस्तों 3 लाइफ पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लाइफ जब काम जिंदगी में चल रहा है, सेकंड लाइफ जब काम जिंदगी में हो चुका है और थर्ड लाइफ जब काम जिंदगी में शामिल है। कल जब काम शामिल की हम बात कर रहे थे, हमने चैप्टर को कंप्लीट किया था। जब कोई भी काम जिंदगी में शामिल होता है तो आई और यू में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है और ही और शी के लिए एक्शन में एसईएस फॉर्म आती है, ये मैंने आपको बताया था। और टाइम वर्ड्स कौन से होते हैं? डू और डस, क्योंकि आई और यू, ही और शी, एक्शन आई एक्शन, यू एक्शन, ही एक्शंस, शी एक्शंस, मैं करता हूँ, आप करते हैं, ये करता है, ये करती है, यहाँ पर डूअर है और एक्शन है, लेकिन टाइम वर्ड यहाँ मिसिंग था, ठीक है ना। तो उस टाइम वर्ड की कमी को पूरा करने के लिए मैं किसके पास गया था? अपने भाई के पास। मेरा भाई कौन है आपको मालूम है, डू है ना। तो डू के पास मैं गया था कि आओ आके टाइम वर्ड की कमी को पूरा करो, तो वो एज अ टाइम वर्ड यहाँ पे आया था मेरे और आपके लिए, आई और यू के लिए, और कहीं ना कहीं टाइम वर्ड बन के आया था, उसने कमी को पूरा किया था। तो जब भी दोस्तों कोई भी काम जिंदगी में शामिल होगा, जब बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम वर्ड पहले आता है, उसके बाद डूअर आता है और उसके बाद दोस्तों एक्शन आता है। टाइम वर्ड पहले आता है, फिर डूअर आता है, फिर एक्शन आता है। क्वेश्चन किससे पूछते हैं? खुद से, सामने वाले से, यू से, ठीक है ना। अच्छा, यू और आई का टाइम वर्ड कौन सा होता है? डू, ये आपको मालूम है, जो कि मेरा भाई है, तो यहाँ पर टाइम वर्ड की कमी को पूरा करने के लिए आया है, ठीक। एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। आज हमने दोस्तों रिवीजन के लिए 3 एक्शन यहाँ पर लिए हैं। पहला एक्शन है वॉच केबीसी। केबीसी मतलब कौन बनेगा करोड़पति, आता है आता है, देखा होगा अमिताभ बच्चन जी उसको होस्ट करते हैं, है ना। बहुत अच्छे नॉलेज क्वेश्चन वो पूछते हैं कहीं ना कहीं, और बहुत उसमें पैसा जीतते हैं कहीं ना कहीं। तो वॉच केबीसी यानी कि केबीसी देखना। प्ले टिपकैट, टिपकैट एक गेम का नाम है, आपने शायद खेला भी होगा और सुना भी होगा, गिल्ली डंडा है ना, ये अक्सर बहुत लोग सर्दियों में खासकर ये गेम बहुत खेला जाता है ना, टिपकैट यानी गिल्ली डंडा, टिपकैट, ठीक है ना। प्ले टिपकैट, स्टडी यानी कि पढ़ाई करना, ये 3 एक्शन हम लोगों ने आज लिए हैं रिवीजन के लिए। और इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, आज नई लाइफ हम लोग आज शुरू करेंगे। डू यू एक्शन, क्या आप ये काम करते हैं? अगर मैं करता हूँ तो आंसर आप जानते हैं आई एक्शन, अगर मैं नहीं करता हूँ तो नॉट कहाँ पे आता है? टाइम वर्ड के बाद, और टाइम वर्ड यहाँ दोस्तों क्या है? डू। तो क्या बोलेंगे? आई डू नॉट एक्शन, मतलब मैं ये काम नहीं करता हूँ। अब सपोज कर लीजिए कि वॉच केबीसी, अगर मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप केबीसी देखते हैं, तो मैं कैसे पूछूंगा? डू यू वॉच केबीसी, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं तो आप क्या आंसर देंगे? कि आई वॉच केबीसी, काम शामिल है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर नहीं देखते तो क्या बोलेंगे? नॉट कहाँ पे लगाएंगे? टाइम वर्ड के बाद, आई डू नॉट वॉच केबीसी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका प्ले टिपकैट यानी गिल्ली डंडा खेलना। अगर मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप टिपकैट खेलते हैं, तो मैं कैसे पूछूंगा? डू यू प्ले टिपकैट। अब अगर आप खेलते हैं तो आप क्या आंसर देंगे? कि आई प्ले टिपकैट। अगर आप नहीं खेलते तो क्या बोलेंगे? आई डू नॉट, क्योंकि नॉट टाइम वर्ड के बाद में आता है, टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है? डू, आई डू नॉट प्ले टिपकैट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका स्टडी, पढ़ाई करना। अब मुझे अगर आपसे पूछना है कि क्या आप पढ़ाई करते हैं, डू यू स्टडी, तो मैं कैसे पूछूंगा? डू यू स्टडी। अगर आप पढ़ते हैं तो आप क्या आंसर देंगे? आई स्टडी। अगर नहीं पढ़ते हैं तो नॉट कहाँ पे आएगा? टाइम वर्ड के बाद, और टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है? डू, आपको मालूम है, आई डू नॉट स्टडी, क्लियर हो गया। तो जब काम जिंदगी में शामिल होगा, एक्शन में आएगी फर्स्ट फॉर्म, किसके लिए? आई और यू के लिए, और आई यू का टाइम वर्ड दोस्तों कौन सा होगा? डू, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ही और शी की। जब बात दोस्तों ही और शी की आती है, तो एक्शन में फॉर्म है एस या एस, ये आपको मालूम है, एस ई एस फॉर्म आती है, ठीक है ना। तो जैसे कि वॉच को आ जाएगा वॉचेस, ई एस आ जाएगी, प्ले को आ जाएगा प्लेस, और स्टडी को आ जाएगा स्टडीज,
क्लियर है ना। लेकिन एक बात मैंने कल आपको अपनी लास्ट वीडियो में शेयर करी थी कि SES फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, चाहे ING फॉर्म हो, सेंटेंस में दो बार नहीं आ सकती हैं। जिस तरीके से एक मयान में दो तलवार नहीं आ सकती हैं, उस तरीके से एक सेंटेंस में दो बार SES फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म नहीं आ सकती हैं। क्लियर हो गया। अब हम आइए बात करते हैं ही और शी की। जब बात ही और शी की आती है तो एक्शन में SES फॉर्म आती है, लेकिन टाइम वर्ड यहाँ पर भी नहीं है। जैसे आई एक्शन ह्यू एक्शन था, वैसे ही एक्शंस शी एक्शंस है, यहाँ पर भी टाइम वर्ड मिसिंग है। फिर मैं किसके पास गया था? डू के पास। अब कि उसने आने के लिए मना कर दिया था, उसको मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो किस शर्त पे माना था, वो शर्त क्या थी कि उसने कहा था कि मुझे SES फॉर्म चाहिए एक्शन की, तो उसने ली थी और वो क्या बन गया था? 10। ठीक, तो डू ने ली ES फॉर्म तो क्या बन गया? 10। तो जब भी कोई भी काम जिंदगी में शामिल होगा तो टाइमवर्ड कौन से होंगे? डू और डस। क्लियर हो गया। आई और यू का टाइमवर्ड होगा डू, और ही और शी का टाइमवर्ड होगा डस। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। और वही सेम नियम है कि SES फॉर्म हो, चाहे ING फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, सेंटेंस में एक ही बार आती है। तो डस क्या है? डस डू की SES फॉर्म है, ये आपको मालूम है। और तो SES फॉर्म अगर एक बार आ चुकी है, क्योंकि डस क्या है? डस काम शामिल में ही शी का टाइम वर्ड भी है और डू की SES फॉर्म भी है। तो जब डस एक बार आ चुका है, पहले टाइम वर्ड आएगा, उसके बाद डूअर। डूअर कौन है? ही या शी, या आप जानते हैं कि उन लोगों की बात चल रही है। और जब डस एक बार आ चुका है तो दोबारा एक्शन में SES फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। डज ही एक्शन, डज शी एक्शन। अब अगर वो करते हैं तो एक्शन में कौन सी फॉर्म है? SES फॉर्म बाहर आ जाएगी, ही एक्शंस और शी एक्शंस। अगर वो नहीं करते हैं तो नॉट कहाँ पे आता है? टाइम वर्ड के बाद, और टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है? डस। तो ही डस नॉट, अब जब डस एक बार आ जाएगा दोबारा SES फॉर्म एक्शन में नहीं आएगी, ठीक है ना। ही डस नॉट एक्शन और शी डस नॉट एक्शन। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। तो वॉच KBC। अब अगर मुझे आपसे पूछना है आपके पापा के बारे में कि क्या वो KBC देखते हैं, तो मैं कैसे पूछूंगा? अब मैं और आप आपस में कौन है? आई और यू। पापा आपके कौन हुए? ही। तो मैं कैसे पूछूंगा कि डज ही वॉच KBC? क्लियर हो गया। अब अगर वो देखते हैं तो आप कैसे आंसर दोगे? वॉच का हो जाएगा वॉचेस, ये आ जाएगी। तो अगर देखते हैं तो आप SES फॉर्म लगा दोगे ही वॉचेस KBC। अगर वो नहीं देखते हैं तो नॉट कहाँ पे लगाओगे? टाइम वर्ड के बाद, और टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है? डस। मना करोगे तो कैसे मना करोगे? कि ही डज नॉट, अब जब डज एक बार आ गया है तो दोबारा SES फॉर्म नहीं आएगी, तो ही डज नॉट वॉच KBC। क्लियर हो गया। अब अगर मुझे आपके भाई के लिए पूछना है कि क्या आपका भाई टिकट यानी गिल्ली डंडा खेलता है, तो मैं कैसे पूछूंगा? डस ही प्ले टिकट, चाहे मैं ही बोल दूंगा, चाहे मैं योर ब्रदर बोल दूंगा। आपका मतलब योर होता है, क्लियर है ना। आपका मतलब योर, आपका भाई योर ब्रदर, आपके पापा योर फादर, आपकी मम्मी योर मदर। तो क्या आपका भाई टिकट खेलता है? तो डस योर ब्रदर प्ले टिकट, क्या आपका भाई टिकट खेलता है? अब आप आंसर क्या दोगे? मेरा भाई, मेरा मतलब माई, आपका मतलब योर और मेरा मतलब माई, ठीक है ना। अब आप आंसर दोगे कि मेरा, अगर वो खेलता है तो आप क्या बोलोगे? कि माई ब्रदर। अब प्ले का क्या हो जाएगा? SES फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि काम शामिल है, ही की बात चल रही है। माई ब्रदर प्लेस टिकट, अगर वो नहीं खेलता है तो कैसे मना करोगे? कि माई ब्रदर, अब नॉट कहाँ पे आएगा? टाइम वर्ड के बाद, और टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है? डस। तो माई ब्रदर डज नॉट, अब डज एक बार आ चुका है दोबारा SES फॉर्म नहीं आएगी, तो माई ब्रदर डज नॉट, अब डज आएगा तो ऐसे में प्ले आएगा, डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर हो गया, टिपकैट। नेक्स्ट आपका स्टडी। अब अगर मुझे पूछना है आपकी बहन के लिए कि क्या आपकी सिस्टर पढ़ाई करती है, तो मैं कैसे पूछूंगा? अब सिस्टर हम लोग के लिए कौन है? शी, ठीक है। तो डज शी स्टडी, क्लियर हो गया। अब अगर वो पढ़ाई करती तो आप आंसर क्या दोगे? SES फॉर्म आ जाएगी, शी स्टडीज। अगर वो नहीं पढ़ती तो क्या बोलोगे? कि शी डज नॉट, नॉट कहाँ पे आता है? टाइम वर्ड के बाद, तो शी डज नॉट, जब डज एक बार आ गया दोबारा SES फॉर्म एक्शन में सेंटेंस में नहीं आएगी, तो क्या बोलोगे? शी डज नॉट स्टडी, क्लियर है। अगर पॉजिटिव आंसर होगा तो SES फॉर्म आएगी, क्योंकि SES फॉर्म पहचान है, काय की पहचान है? ये काम ही या शी के जिंदगी में शामिल है, वो एक ही बार आती है। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो एक्शन में SES फॉर्म आएगी, अगर आंसर नेगेटिव आएगा SES फॉर्म नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मन नेगेटिव आंसर को लाने के लिए आता है नॉट, और नॉट का नियम क्या है? कि वो आता है टाइम वर्ड के बाद, और टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है? डस। तो डस जब एक बार सेंटेंस में आ जाएगा तो दोबारा SES फॉर्म एक्शन में नहीं आएगी। क्लियर हो गया। तो ये आपका पूरा रिविजन था, कोई डाउट आप लोगों को नहीं है? क्लियर हो गया ना, फाइन। अब आप लोगों को इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करनी है अपने घर में। अब तीन लाइफ आप लोग पढ़ चुके हैं, एक जब काम जिंदगी में चल रहा है, जब काम चल रहा है एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है? ING। टाइमर कौन से होते हैं? SMR।
आई का टाइम बट एम, यू का टाइम बट आर, ही का टाइम बट इस, शी का टाइम बट इस। एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है? आई एन जी। काम जिंदगी में चल रहा है, समय को पहचानना है। एक लाइफ जब काम जिंदगी में हो चुका है, मैंने ये काम कर लिया है, मैंने कर लिया है। मैं हूँ आई, आप हैं यू, ही और शी, मैंने कर लिया है। आई हैव, एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है वहाँ पे? थर्ड फॉर्म। काम जिंदगी में हो चुका है, एक्शन में आती थर्ड फॉर्म। और टाइमर कौन से होते हैं? हैव और हैस। आई और यू का टाइमर होता है हैव, और ही और शी का टाइमर होता है हैस। क्लियर हो गया? और जब काम जिंदगी में शामिल है, ठीक है, तो आई का फॉर्मूला आई एक्शन, यू का फॉर्मूला यू एक्शन, ही का फॉर्मूला ही एक्शंस, ऐसी फॉर्म आ जाएगी, और शी का फॉर्मूला शी एक्शंस। और टाइमर कौन से होते हैं? डू और डस। क्लियर है? आई और यू का टाइमर होता है डू, और ही और शी का टाइमर होता है डस। क्लियर हो गया? ये आपका हो गया चैप्टर पूरा कंप्लीट, थ्री चैप्टर्स। अब आइए हम लोग नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों, आप लोगों से आज मैं नई लाइफ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अब तक आप लोगों ने पढ़ी तीन लाइफ, एक जब मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, ही कर रहे हैं, शी कर रही है। सेकेंड लाइफ, मैं ये काम कर चुका हूँ, मैंने ये काम कर लिया है, मैंने कर लिया है, आपने कर लिया, ही ने कर लिया, शी ने कर लिया। तीसरी, मैं ये काम करता हूँ, काम शामिल है, मैं करता हूँ, आप करते हैं, यू ही करता है, शी करती है। अब दोस्तों, आपसे मैं बात करूंगा उस लाइफ की, भूतकाल की, यानी कि पास्ट। मैंने ये काम किया था, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे काम हैं जो ना तो इस समय मैं कर रहा हूँ, ना मैंने ख़त्म किए हैं, लेकिन मैंने किया था। जैसे कि मैं मार्केट गया था, मैं कॉलेज गया था, मैं मंदिर गया था, मैंने लूडो खेला था, मैंने पढ़ाया था, मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने वीडियो देखी थी, मैंने लाइक किया था, मैंने शेयर किया था, मैंने सब्सक्राइब किया था। मतलब मैंने ये काम किया था, भूतकाल में, पास्ट में किया था, मैंने ये काम किया था, ठीक है ना? और जब भी कोई भी काम, सपोज सुनिए कि आपने नाश्ते में आपने बर्गर खाया, ठीक है ना? अब आपसे शाम को कोई पूछे कि नाश्ते में आपने क्या खाया था, आप बोल सकते हो कि मैंने बर्गर खाया था, ये काम मैंने पास्ट में किया था। क्लियर हो गया? मैं कौन हूँ? आई। और जब भी बात पास्ट की आती है, तो दोस्तों एक्शन में एक फॉर्म है, इसका नाम है सेकंड फॉर्म। क्लियर है? सेकंड फॉर्म आती है। फॉर्म्स तीन प्रकार की होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। दो फॉर्म और भी होती है, आईएनजी फॉर्म, एससीएस फॉर्म। सब फॉर्म्स का इस्तेमाल आपको मैं बता चुका हूँ। एक अंतिम फॉर्म बची, सेकंड फॉर्म बची थी, इसका आपको यूज मैंने आज बता दिया है, ठीक है ना? आईएनजी कब आती है? जब काम जिंदगी में चल रहा है। एससीएस फॉर्म कब आती है? जब काम जिंदगी में शामिल है, ही या शी के लिए सिर्फ, ठीक है। थर्ड फॉर्म कब आती है? जब काम जिंदगी में हो चुका है। फर्स्ट फॉर्म कब आती है? जब काम जिंदगी में शामिल है, आई और यू के लिए। और सेकंड फॉर्म कब आती है? जब मैंने ये काम किया था, यानी कि पास्ट में। क्लियर है? तो सेकंड फॉर्म आती है पास्ट में, जब मैंने ये काम किया था। आपके पास तीन एक्शन लिखे हुए हैं, वॉच, केबीसी, प्ले टिप कैट और स्टडी। हम एक्शन दो और लिखते हैं। एक्शन एक लिखते हैं हम लोग टेक टी, यानी कि चाय पीना, टेक टी लेते हैं। और एक हम लोग लेते हैं सिंग, ठीक, यानी कि गाना। अब इसकी फॉर्म्स हम लोग उतारते हैं। आपको मालूम है कि 80% फॉर्म्स में आती है ईडी, आपको मालूम है, जिनमें 20% चेंज भी होती हैं। जो चेंज हैं, मैंने कुछ आपको लिखवाई भी हैं, जो बाकी बची हैं आपको आगे मैं देता लिखवाता जाऊँगा, ठीक है ना? तो फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, गाने की। सेकेंड फॉर्म दोस्तों होती है सैंग, एस ए एन जी, सैंग। और थर्ड फॉर्म दोस्तों होती है संग, ठीक है ना? थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर आएगी नहीं, क्योंकि वो कब आती है? जब मैं काम कर चुका हूँ, वो तब की बात है, यहाँ पर आएगी सेकंड फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है टेक, टेक टी। अब पीने को बोलते हैं टेक, सेकंड फॉर्म होती है टुक, और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। यहाँ पे कौन सी आएगी? सेकंड फॉर्म, टुक, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है वॉच, वॉच में भी ईडी आती है, प्ले में भी ईडी आती है, और स्टडी में भी ईडी आती है। क्लियर है? तो यहाँ पर कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं है, जो चेंजेस थे वो मैंने आपको लिखवा दिए। अब आइए बात करते हैं, मैंने ये काम किया था, आई एक्शन में सेकंड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा। अब पहले फोकस कीजिए मेरी बात के ऊपर, कुछ आपको समझाना चाहता हूँ मैं। सपोज कर दीजिए कि अगर मैं आपसे बात करूँ, इसको छुपा दूँ अगर मैं, तो ये क्या बन गया आपका? आई एक्शन, यानी काम जिंदगी में शामिल है, काम शामिल है, प्रेजेंट, वर्तमान काल। ये क्या बन गया? पास्ट। ये क्या बन गया? ध्यान दीजिएगा, ये बन गया प्रेजेंट, ये बन गया पास्ट, ये बन गया प्रेजेंट, ये बन गया पास्ट, ये बन गया प्रेजेंट, ये बन गया पास्ट।
मतलब मेरा कहने का क्या है कि एक सेकंड फॉर्म लग जाने से जो बात वर्तमान की है वो किस में जा रही है, भूतकाल में, यानी कि पास्ट में जा रही है। इसका मतलब पास्ट की पहचान क्या है, सेकंड फॉर्म। जिस भी सेंटेंस में दोस्तों अगर सेकंड फॉर्म लगी हुई है मतलब बात चल रही है पास्ट की। क्लियर हो गया? तो मतलब मैंने ये काम किया था, अब गाने को बोलते हैं सिंग। अगर मैंने ये काम किया था पास्ट में तो कौन सी सेकंड फॉर्म होती है सिंग की, सैंग। तो मैं क्या बोलूंगा, आई सैंग। मैंने ये काम किया था, आई सैंग। अब पीने को बोलते हैं टेक और चाय को बोलते हैं टी, टेक टी। अगर मैंने ये काम किया था या आपने किया था, आप अपने लिए आई हैं मैं अपने लिए आई हूँ, तो मैंने चाय पी थी। अब पीने को बोलते हैं टेक। सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक। थी मतलब पास्ट की बात चल रही है तो क्या बोलेंगे, आई टुक टी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपके वॉच के बी सी, देखना। अब वॉच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ईडी आ जाएगी, वॉच्ड, ईडी हो जाएगी। तो मैंने केबीसी देखा था तो आई वॉच्ड केबीसी। क्लियर है? नेक्स्ट आपका प्ले टिपकैट, यानी कि टिपकैट खेलना। मैंने खेला था तो प्ले का क्या हो जाएगा, ईडी आ जाएगी, तो प्लेड, आई प्लेड टिपकैट। क्लियर है? नेक्स्ट आपका स्टडी, पढ़ाई करना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टडीड, ईडी आ जाएगी। और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है स्टडीड, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी। तो मैंने पढ़ाई करी थी तो क्या बोलेंगे, आई स्टडीड। सपोज कर लीजिए लॉकडाउन चलते शाम को आपके पापा ने पूछा आपसे कि दिन भर आपने पढ़ाई करी कि नहीं करी, आपने बोला कि हाँ पापा मैंने सुबह या दोपहर में पढ़ाई मैंने करी थी, ये काम मैंने पास्ट में किया था। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टडीड, ईडी आ जाएगी, तो आई स्टडीड। क्लियर है? तो जब भी बात दोस्तों पास्ट की आएगी, एक्शन आएगी सेकंड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा। जैसे खाने को बोलते हैं टेक, सेकंड फॉर्म टुक होती है और थर्ड टेकन होती है, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म टुक आएगी। जैसे कि मैंने डोसा खाया था तो आई टुक डोसा, मैंने बिरयानी खाई थी आई टुक बिरयानी, मैंने चाउमिन खाए थे आई टुक चाउमिन। जैसे भी आपने लंच में दाल चावल खाए थे तो आई टुक दाल चावल। मैं जो भी कुछ आपने किया था, सेकंड फॉर्म आएगी, ध्यान दीजिएगा। सेकंड फॉर्म आनी आनी थी, वो पास्ट की पहचान है। क्लियर हो गया? अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा अपना पास्ट का रूटीन, कि हमारा पास्ट में जो मैंने पास्ट में किया था, बीते हुए कल में किया था, वो ऐसा मैंने आपको एक बार रूटीन शेयर किया था अपना प्रेजेंट का, कि जो काम मैं रोज़ करता हूँ, काम जिंदगी में शामिल है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा अपना पास्ट का रूटीन, कि मैंने क्या किया था पूरे दिन भर, आपसे शेयर करूँगा, आपको समझाऊँगा, और वही आपको अपना होमवर्क में लिखना भी होगा और अपना खड़े होकर आपको शीशे के सामने परफॉर्म करना होगा, इससे कॉन्फिडेंस आपके अंदर बोलने का पैदा हो। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जितना पढ़ाया है उसका रिवीजन करिएगा, लास्ट चैप्टर्स हैं उन पे कन्नस करिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन दिया, उस पर लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलने वाली है कि हाँ आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ताकि मैं भी इस काम को और आगे अच्छे तरीके से बढ़ाता रहूं, आप लोग अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं, ताकि आप लोग उसको देखते रहें, अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करते रहें। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को आगे शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। इसे हम धन्यवाद देता हूँ आप लोगों में इस वीडियो को देखने का, थैंक यू सो मच। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, नाइस टू सी यू, बाय बाय, धन्यवाद।